कि अगर अभ्यर्थियों की मांग नहीं सुनी जाएगी तो उनको भी ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि इस चुनावी वर्ष में प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर क्या किसी तरह की कोई चर्चा, किसी तरह की कोई बैठक अभी तक की गई है या फिर इनको, इनके प्रदर्शन को, इनके विरोध को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें अधिकारियों की तो हमें कई बार अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन और रिकॉर्ड कोई भी अधिकारी जो है इस पूरे मामले में बात करने से दूर भागता है। सवाल ये उठता है कि अगर आप सही हैं, अगर आपको लगता है कि आयोग की रिपोर्ट सही नहीं है, गलत है, कुछ भी ऐसी बात है, तो अपना पक्ष रखना चाहिए अधिकारियों को। लेकिन ताज्जुब की बात, जब से ये आंदोलन चल रहा है अधिकारी मीडिया के सामने आकर बात नहीं कर रहे, बात करने से कतरा रहे। कम से कम अपना पक्ष उनको रखना चाहिए अगर वो सही है, लेकिन वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बात कही जा सकती है कि अभ्यर्थियों की बात में कुछ तथ्य होंगे, कहीं ना कहीं सही होगी, इसी वजह से वो इतना आंदोलन कर रहे हैं। और अभ्यर्थी और जो अधिकारी हैं वो उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पा रहे, यही माना जा सकता है। इसलिए अगर अधिकारी जो है उनको लगता है कि अभ्यर्थियों की मांग अनुचित है, अभ्यर्थी गलत कर रहे हैं, तो उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वो अपनी बात रखने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, जो इस पूरी चीजों का सवाल भी उठाता है। लेकिन आरोप जो लग रहे हैं शैलेश, वो बहुत गंभीर है, आरक्षण घोटाले का आरोप लग रहा है, तो क्या इन छात्रों ने कोर्ट का रुख नहीं किया? क्योंकि इसी मैटर में कई बार कोर्ट जा चुके हैं, अलग अलग मैटर को लेकर ये मसला कोर्ट में फंसा रहा है लंबे समय से, तो इस मामले को लेकर क्या कोर्ट का रुख नहीं किया गया? देखिए, ये लोग आयोग में फिलहाल है, पिछड़ा वर्ग आयोग में है, कोर्ट में भी कुछ अभ्यर्थी जा चुके हैं, लेकिन इस समय जो ये प्रदर्शन पर बैठे तो ये लोग पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कर लेकर बैठे, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं का कहना है कि जो आयोग है वो अगर संवैधानिक संस्था है और वो खुद ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट के अनुसार कि जो आरक्षण के नियम था उनका पालन नहीं हुआ है, तो ऐसे में सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, सिर्फ ओबीसी के आरक्षण में ही नहीं, अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो एससी के लिए आरक्षण था उसमें भी पूरा पालन नहीं हुआ। ओबीसी के अगर आरक्षण की बात करें तो अभ्यर्थियों के अनुसार मैं 4% से भी कम आरक्षण लगाया गया है, यानी आरक्षण के जो नियम थे उनका पालन नहीं हुआ अभ्यर्थियों के हिसाब से। इसीलिए ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं, उनका कहना अगर आरक्षण के नियमों का पूरा पालन हुआ होता तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको भी नियुक्ति मिल जाती। और देखिए, हर किसी के लिए टीटी उत्तीर्ण, शिक्षक भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, जाहिर सी बात है दो परीक्षाएं उत्तीर्ण करके आए हैं। ऐसे में उम्मीद भी होती है कि अगर उनको भी एक मौका दिया जाए, सीटें हो तो उनको भी अवसर मिलेगा। किसी को उम्मीद होती है। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपके पास लौटेंगे, क्योंकि हमारी नजर लगातार इस खबर पर बने हुए, छात्र लगातार प्रदर्शन करते हैं, उनको पुलिस उठाकर आगे लेकर गई है। शिक्षक इस बुलेटिन में फिलहाल कहीं मत जाएगा आगे।